शरद यादव को चुनाव आयोग से बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने खारिज किया शरद का दावा। जेडीयू सिंबल को लेकर किया गया था दावा। बिहार कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। सृजन घोटाले को लेकर लालू ने लगाए नीतीश पर आरोप। कहा सृजन को छिपाने के लिए नीतीश ने बनाया नया गठबंधन। लालू परिवार को बड़ा झटका। एक दर्जन संपत्ति को जब्त करने का अंतरिम आदेश। दिल्ली और पटना में कई प्रॉपर्टी होंगे कुर्क। लालू के नाम पर सियासत हुई तेज। बेनामी संपत्ति के जब्त होने से गुस्से में आरजेडी। कुर्की को जेडीयू ने बताया लालू का राजनीतिक पिंडदान। रांची रिंदास बहाली घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू से पूछताछ। एसीबी कार्यालय में एक घंटे से अधिक हुई पूछताछ। सहरसा के केबीएससी इंटरनेशनल स्कूल की दरिंदगी। 8 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई। गंभीर चोट लगने के बाद बच्चा अस्पताल में हुआ भर्ती। नवादा में अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी। अपराधी भागने में रहे सफल। झारखंड निर्मित रैपर और पैकिंग मशीन बरामद। कटिहार में न्यूज इंडिया की खबर का हुआ असर। अस्पताल में कुव्यवस्था की खबर दिखाए जाने के बाद जागा प्रशासन। डीएम ने किया औचक निरीक्षण। राजस्थान रोडवेज कर्मियों ने किया चक्का जाम का ऐलान। बुधवार से 2 दिनों तक चलेगी हड़ताल। परिवहन मंत्री से वार्ता। विफल होने के बाद लिया फैसला। चतरा में सीआरपीएफ के वाहन ने 4 लोगों को कुचला। हादसे में 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर। हंगामे के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना को लगभग 91 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल लॉज संस्थान को स्वीकृति मिली है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर मुहर लगी है। NH2 लेन परियोजना के लिए 2.8 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है। परिषद की बैठक हुई है जिसमें कुल 15 निर्णय लिए गए हैं। कृषि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत कुल 91,91,49,00,000 रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई है। खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए उसमें कई तरह की योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त गृह कारा विभाग के अंतर्गत बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर के सुचारू संचालन हेतु बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी के गठन एवं इसके बायलॉज और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति दी गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सृजन घोटाला पर खुलासा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो जेल जाए या फिर सरकार तोड़े। वहीं लालू यादव ने कहा कि जब तक सृजन घोटाले पर नीतीश के खिलाफ FIR नहीं होती तब तक RJD चैन से नहीं बैठेगी। जो रहा कि भाई ये सृजन घोटाला होते रहा लगातार सरकार के डोमेन में था, नॉलेज में था, जानकारी में थी, इसको कैसे रोका नहीं गया। तो मैं गया था और बहुत सारा तथ्य, एक दिन रात को मैं ठहर भी गया था और बहुत सारा डॉक्यूमेंट हम लोगों को हाथ लगा है और कागजात और सब डिफरेंट कॉर्नर से जो दरे सामे हैं लोग भेजवा रहे हैं। ये एक दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा।
ये लगातार चलेगा जब तक इसका लॉजिकल कंक्लूजन नहीं हो जाता और नीतीश कुमार पर FIR और सुशील मोदी पर नहीं हो जाता, सलाखों के बीच नहीं जाते, तब तक हम लोग दम लेने वाले नहीं हैं। लालू जी ने यह भी वजह बताई कि नीतीश कुमार जी ने किस वजह से गठबंधन तोड़ने का काम किया, कि कितना भारी दबाव बीजेपी द्वारा उनके ऊपर था। उनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो जेल जाए या तो वो गठबंधन हम लोगों से तोड़े, संबंध हम लोगों से तोड़े। और हम लोग भागलपुर गए थे, हालांकि सबौर प्रखंड में हम लोगों को सभा की अनुमति नहीं दी गई और पहले भी हम गए थे तो धारा 144 लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं से सरकार ये नहीं चाहती है कि जो घोटाले का जो पर्दाफाश है वो हम लोग करने का काम करें, इस घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने सभा में भरे आम ये कहा था कि जिस हिसाब से जनादेश का अपमान नीतीश कुमार जी ने किया, बार बार, एक बार नहीं, कई एक उदाहरण है, सब लोग जानते हैं, वो इस दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचारी हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जिस प्रकार से नैतिकता की बात करते हैं और जब अपने ऊपर मामला आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, उनके संबंधियों के बारे में और उनके अलायंस पार्टनरों के बारे में जब बात आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए हम कहें कि नैतिक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी हैं। हम आपको दो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, एक डॉक्यूमेंट 2000 CAG का रिपोर्ट का है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। 1000 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के मामले में आयकर ने लालू प्रसाद और उनके परिवार की करीब एक दर्जन संपत्ति को कुर्क करने का अंतरिम आदेश दिया है। इनकम टैक्स विभाग के इस आदेश पर पटना और दिल्ली की संपत्तियां शामिल है। आदेश के अनुसार दानापुर के सगुना मोड़ में बन रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल को भी जब्त किया जाएगा। इसके अलावा मीसा भारती, शैलेश कुमार, तेजस्वी, राबड़ी देवी और उनकी बेटियां रागिनी और चंदा से जुड़ी संपत्ति भी जब्त होगी। लालू और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बेनामी संपत्ति के जब्त होने से पूरा आरजेडी खेमा गुस्से में है, तो वहीं NDA इसे लालू की करनी का फल बता रहा है। राजनीति में पितृपक्ष में यात्रा एवं पगड़ी के रस्म का गहरा असर दिखाई पड़ने लगा। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा और राजनीति को धंधा बनाकर संपत्ति संग्रहण कर रहे थे तो कानून के मकड़ जाल ने पूरे परिवार को दबोचा। बेटा, बेटी, दामाद सब इस सृजन में लगे हुए थे, संपत्ति सृजन में। लालू जी और लालू जी के परिवार का जो भी आरोप है निराधार है। मैं तो आपके माध्यम से एक प्रश्न सीधा सीधी करना चाहता हूं उनसे कि वह यह बताए कि इस अगर बेनामी संपत्ति, अवैध संपत्ति अगर अर्जित न किए होते तो कानून को वहां तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। आज उन्होंने गलतियां पर गलतियां की है, गरीबों को लूटा है इस बिहार में अपने 15 वर्षों के शासन काल में और इधर के महागठबंधन की सरकार में जो लूटने का प्रयास किया है जिसको नीतीश कुमार जी ने रोका और गठबंधन टूटने का बहुत बड़ा कारण यह रहा। तो आज जो गलती करेगा तो उसको तो भोगना पड़ेगा। और मैं तो यह कहता हूँ कि बिहार में जो है नीतीश कुमार और सुशील मोदी के देख रेख में ही भागलपुर सृजन महाघोटाला हुआ है और लंबे काल से यह चल रहा था और इनके नॉलेज में हुआ था और ये इनके रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि अविलंब इस्तीफा दें और सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में CBI इसकी जांच करे। जमुई सांसद चिराग पासवान बांका पहुंचे, जहां उन्होंने टाउन हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को 2019 चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। चिराग पासवान ने युवा आयोग के गठन की बात कही जिससे युवाओं की समस्याओं का निदान हो सके। कार्यकर्ता सम्मेलन में लोजपा जिला अध्यक्ष समेत हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। JDU प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद, पूर्व विधायक कृष्ण नंदन यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हो गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई।
मौके पर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि अन्य कई बड़े नेता भी जेडीयू और नीतीश कुमार से प्रभावित हैं, वो भी जल्द जेडीयू का दामन थामेंगे। इस्तीफा तो मांगना आजकल सामान्य बात हो गई, इसलिए इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी तो खुद कई उलझनों में अभी चल रही है। चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार बीजेपी में शामिल हो गए। अरुण कुमार को नित्यानंद राय ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। वर्षों से सरकारी सेवा में रहे अरुण कुमार ने मोदी के विजन से जुड़ने के लिए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। करने को स्वीकार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में मजबूती मिलेगी। और राजेश्वर जी भी बार बार कर रहे थे कि अध्यक्ष जी मैं प्रयास कर रहा हूं, अरुण जी ने मन बना लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने पूरी दुनिया को जो दिखा दिया है कि राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, और सिर्फ सरकार बनाना ही नहीं लोगों की सेवा करने का भी भाव राजनीतिक दल में रहे, ऐसा स्थापित हमारे आदरणीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रद्युम्न की हत्या के बाद उसके परिजनों से मिलने गुरुग्राम पहुंचे। उन्होंने प्रद्युम्न की हत्या पर संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि प्रद्युम्न की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मांझी ने कहा कि प्रद्युम्न की गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिससे कि दोषी व्यक्तियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। सृजन घोटाले को लेकर आरजेडी लगातार हंगामा कर रही है। आज भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गया के अंबेडकर पार्क में धरना दिया। धरना में मौजूद गया जिले के बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव ने कहा कि देश में घोटाले पर घोटाला हो रहा है, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार फेल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू और पूर्व मंत्री माननीय रामचंद्र पूर्वे जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, आज पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना का आदेश हुआ था। उस धरना का आयोजन अंबेडकर पार्क में हो रहा है, और जो सृजन घोटाला है इसी का विरोध में एक दिवसीय धरना का आदेश आया था कि एक दिवसीय धरना चले। मोतिहारी के ढाका के आरजेडी विधायक फैसल रहमान से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अपराधियों ने विधायक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। अपराधियों ने फोन पर धमकी देते हुए विधायक को 7 दिन के अंदर राशि का भुगतान करने को कहा। इसे लेकर विधायक फैसल रहमान ने स्थानीय थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। ढाका में है तो उन्होंने कहा कि अच्छे ढाका में है, राजनीति बहुत ज़्यादा कर रहे हो क्या, कि सुनो 20 लाख रुपया का रंगदारी वो एक सप्ताह के अंदर में ये तो अपना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा तुमको। हमने कई बार पूछा कि भाई आप कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बताया है। उसके बाद आप सब बात बोलकर फोन काट दिया। परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को द्वितीय स्नातक अभ्यर्थियों ने बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बता दें कि आयोग ने 2014 में द्वितीय स्नातक की परीक्षा ली थी, लेकिन परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के दियरा पर इलाके में अवैध संबंध की आशंका पर एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद पति फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शायद गला दबा कर करके मार दिया गया है। कौन मारा है गला दबा कर? शायद पति उसको मार करके भाग गया, फरार है। क्या लग रहा है इसका पति अनैतिक संबंध के मामले में सुनने में आ रहा है क्या? इस तरह की तो बात दृष्टि गोचर हो रही है, ये दूसरी शादी की थी उसी के साथ रह रही है, इसके बाद फिर उसका पति शायद मार करके भाग के चला गया।
सुपौल एसपी के विशेष निर्देश पर इन दिनों जिले के अलग अलग अनुमंडल क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस ने बलुआ थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से करीब 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। के निर्देश के आलोक में बलुआ थाना अंतर्गत कल रात्रि में एसडीपीओ बीरपुर के नेतृत्व में और एसएचओ बीरपुर, एसएचओ रतनपुरा, एसएचओ भीमनगर, एसएचओ बलुआ बाजार और सर्किल इंस्पेक्टर बीरपुर अंचल के टीम में सहयोग कर सुपौल जिले का सदर अस्पताल इन दिनों अव्यवस्था के घेरे में है। दिन ब दिन बिगड़ती कार्यशैली के कारण अस्पताल काफी सुर्खियों में रहता है। यहाँ मरीज तो आते हैं अपनी बीमारियों का इलाज कराने, लेकिन उनकी जिंदगी भगवान भरोसे होती है। जिले के सदर अस्पताल में ना सिर्फ अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है, बल्कि मरीजों की जान तक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालात ये है कि खून की जांच तक स्वीपर करते हैं। ऐसे में यहां आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की अनदेखी तो की ही जा रही है, साथ ही उनकी जान भी जोखिम में डाली जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अस्पताल की स्थिति बनी हुई है वो बद से बदतर बनी हुई है। लगातार अभी हम 7 दिन के अंदर कंटिन्यू हम अस्पताल के अंदर में सारा व्यवस्था देख रहे हैं। आपने सही कहा, यहाँ पर स्वीपर जो है, स्वीपर यहाँ ब्लड सैंपल लेते हैं और जांच भी वही करते हैं और जांच करके यहाँ पहुँचाते हैं। पता नहीं एक स्वीपर से अगर ब्लड सैंपल लिया जाए और उसकी जांच करवाया जाए तो पता नहीं वो पेशेंट के साथ क्या इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ जब एक प्रसूति महिला अपने पति के साथ इलाज करवाने पहुँची तो डॉक्टर साहब ने उन्हें खून की जाँच करवाने के लिए कहा। महिला के खून का सैंपल अस्पताल के एक स्वीपर ने लिया और तो और इस स्वीपर को रोकने और देखने वाला तक वहां कोई मौजूद नहीं था। लेवल पेन है जी, दिखा डॉक्टर, उसके तो जांच का कुछ किया नहीं, मतलब खून जांच लिखे हैं। हम यहां से गए, वहां जांच कर गए, वहाँ से आया एक कंपाउंडर आया और ब्लड का सैंपल लेके गया। वहीं जब इस बाबत सदर अस्पताल के उपाधीक्षक से पूछा गया तो वे कुछ भी कहने से कतराते नजर आए। बहरहाल इस तरह के हालातों को देखकर तो यही लगता है कि अस्पताल प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में बैठा हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 15 सितंबर को रांची आएंगे, जिसको लेकर प्रदेश के नेता अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुट चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रश्नों का भरोसे के साथ तथ्यपूर्ण जवाब दिया जा सके, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी, कोर कमेटी, सांसद, विधायक और सरकार के मंत्रियों के साथ अलग अलग करीब 19 मैराथन बैठक करेंगे। ने तय किया है कि 15, 16 और 17 को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड आ रहे हैं, तो उस अवसर पर हर कार्यक्रम में महिलाओं की अच्छी भागीदारी रहे। सबसे पहले उनके स्वागत के लिए हम लोगों की जिम्मेवारी मिली है, 15 तारीख को कार्यालय में ही उनका स्वागत महिला मोर्चा करेगी, उसमें रंगोली बनाएगी, उनको तिलक टीका लगा करके उनका स्वागत करेगी। 16 तारीख को हरमू मैदान में जो लाभार्थियों का सम्मेलन है महिलाओं का, उसमें भी हमारी महिला मोर्चा पूरे झारखंड प्रदेश से उसमें अपनी भागीदारी निभाएगी। अमित शाह जी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, अमित शाह जी हमारे ऐतिहासिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है और अमित शाह जी जब किसी भी राज्य में जा रहे हैं, 3 दिनों के दौरे पर जाते हैं या छोटे प्रदेशों में 2 दिनों के दौरे पर जाते हैं, तो पूरी योजना बना कर जाते हैं, पूरा काम पहले से हमें क्या सवाल करने हैं, क्या मुझे जानकारी चाहिए, सारा उसका होमवर्क करके आते हैं। पूरी पार्टी इसमें लगी है, सरकार भी लगी है और मैं समझता हूं कि माननीय अमित शाह जी के इस यात्रा के बाद, 15, 16, 17 की यात्रा के बाद संगठन में भी बहुत तेज़ी आएगी, संगठन में भी बहुत धार आएगा। रघुवर सरकार के 1000 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने शिरकत की। कार्यक्रम में सरकार की तरफ से पिछले 1000 दिनों में किए गए कामों को सभी विधायक और मंत्री ने बखान किया। साथ ही बता दें कि लगभग करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया।
हम लोग हजार दिन के उपलक्ष्य में आए हैं कि आज माननीय रघुवर दास जी जो जिसकी अध्यक्षता भी सरकार चल रही है उनकी उपलब्धि, हम इस हजार दिनों में जनता के लिए क्या कहें, जो आशा अपेक्षा के अनुरूप लोगों ने हम लोगों के सरकार बना करके दिया, तो उस हजार दिन में हम क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए उसको हम यहाँ बतलाने काम किए, और उसका हम एक लेखा जोखा एक तरह से पूरे राज्य के लोगों को, धनबाद जिला के लोगों को देने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से जैसा आप लोग सभी सुन रहे थे अभी, और हमारा धनबाद जिला के जो DC DDC या जो उनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, हर विभाग के लोग अपना अपना उपलब्धि अपना अपना विषय, और हमारे माननीय विधायकगण और मेयर साहब सारे लोग बतला रहे थे कि इस धनबाद जिला में इस 1000 दिन में कितना गति से कितना तीव्रता से काम होगी। झारखंड में 15 नवंबर से पहले खेल नीति बनकर तैयार हो जाएगी, इसकी घोषणा मंगलवार को सूबे के खेल मंत्री अमर बावरी ने की। सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर अमर बावरी सूचना भवन में अपने विभाग की उपलब्धियां साझा कर रहे थे। वहीं शिक्षा विभाग में व्याप्त खामियों के बावजूद शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने दावा किया कि विभाग राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। इस गवर्नमेंट में हम लोगों ने खुद से भी वहाँ जाने का काम किया था और प्रयास किया था, जिसके आधार पर हम लोग जो क्रेडिशियल सर्वे के जो नक्शे हैं वो हमको प्राप्त हो गया है। आज हमारे पास उसको हम लोगों ने संरक्षित रखा है और आज 200 रुपये में कोई भी नक्शा आपको उपलब्ध रांची के अंदर मिलना प्रारंभ हो गया है। एक बड़ा अचीवमेंट लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि ये काम हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग 1 रुपये रजिस्ट्रेशन जो अभी महिलाओं के लिए एक माइलस्टोन है, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की ओर से यह किया गया है कि भाई 50 लाख रुपया तक की संपत्ति परिसंपत्तियों का आप यदि निबंधन करवाते हैं और वो अगर किसी महिला सदस्य के नाम से होता तो एक बार में आपको 1 रुपये में वो रजिस्ट्रेशन करने का हम लोगों ने परमिशन करा है। तो आपने देखा होगा कि विभाग में मानव संसाधनों की काफ़ी कमी थी। अगर हम बार बार क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे तो हमारे पास शिक्षकों की बहुत कमी थी और ऐसी स्थिति में लगातार शिकायतें आते रहती थी कि हम बच्चों की संख्या है लेकिन वहाँ पर शिक्षक उसके अनुरूप है नहीं, हम कहीं पर बेहतर कैसे शिक्षा प्राप्त करें, लगातार ये शिकायतें आ रही थी और उसको हम सब महसूस करते हैं। इसलिए कोई काम को आप अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो प्रायोरिटी उसकी तय करनी पड़ती है। तो हमें लगा कि सबसे फर्स्ट अगर कोई कार्य करना है तो पहले शिक्षक नियुक्ति पे ध्यान देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। झरिया कांग्रेस कमेटी ने झरिया के RSP कॉलेज में मुख्य गेट पर सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर आरोप लगाते हुए नेताओं ने कहा कि एक ओर झारखंड सरकार 1000 दिन की खुशियां मना रही है, दूसरी ओर पहले DC रेल लाइन को बंद किया गया और अब RSP कॉलेज को भी बंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी रोजाना नौजवानों के भविष्य को बताने की बात करते हैं। आपके सामने हमारे सामने 6 तारीख को 8000 का महाविद्यालय जब बंद कर दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी 1000 दिन का राज का जश्न मना रही है और 8000 बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, उसका जवाब आपको कौन देगा? अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस पर भी पूरे कोलांचल को उखाड़ने का काम किया जा रहा था, उस वक्त भी यहां गोली चली थी, मलान मलिक साहब के साथ नीरज भी जेल में महीनों रहा था। उखाड़ने के सिवा बेईमानों ने बसाने का काम एक को भी नहीं किया है। जब हम लोग चले तो कहे रेल बंद, यहाँ आए तो RPS कॉलेज बंद, छरिया उजाड़ा जा रहा है। भैया ये सरकार है रघुवर जी की सरकार है कि मोदी जी की सरकार है? ये केवल लोगों को उजाड़ रही है, बंद कर रही है। मैं तो कहता हूँ इस अहंकारी सरकार की बोलती बंद कर दो भैया, बोलती बंद कर। झारखंड में विधानसभा चुनाव में भले अभी देर हो पर राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है और अपने अपने संगठन की मजबूती को लेकर
कवायद किया जा रहा है। देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक की गई, जिसमें बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाते हुए अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। हर पार्टी 2019 को रेखांकित कर रहे हैं और वही टारगेट लेकर चल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी झारखंड प्रदेश में सक्रिय पार्टी है, इन्होंने अहम भूमिका निभाया है, राज दिखवाए हैं, गरीबों की हक की लड़ाई हमेशा लड़े हैं। इसी यही मुद्दे सब लेकर के जो भी सरकार है, जो हर मामले में विफल है, सिर्फ 1000 दिन गिनवा रहे हैं लेकिन सरजमीन पर कहीं कुछ उतर नहीं रहा है। ये है कि हम लोग यहाँ विपक्ष में है, हेमंत सोरेन की सरकार जो थी उस समय कुछ काम किया था, उस मुद्दे लेकर हम लोग ग्रामीण के क्षेत्र में जाएंगे और संगठन मजबूत करने पार्टी आज बैठक कर रही है। निश्चित रूप से हमारी इसको हम लोग प्रयास देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सरकार काम कम कर रही है, बयानबाजी ज्यादा कर रही है, शिलान्यास ज्यादा कर रहे हैं, बोर्ड ज्यादा लगवा रहे हैं, प्रचार पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और हद तो ये हो गई कि इन्होंने गैर सरकारी संस्थाओं, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं चाहिए, शिक्षण संस्थाएं हो या अन्य सामाजिक संस्थाएं, उसका भी इन लोगों ने भगवाकरण कर दिया। 47 में आजादी हुई, आज तिरंगा लेके घूम रहे हैं, क्या मतलब है इसका? क्या इसका पहले तक तिरंगा नहीं फहरा गया था? तो ये केवल एक लोगों को पैसा के बल पर, सत्ता के बल पर लोगों को जोड़ के और एक वातावरण बनाना चाहते हैं। रांची के जैप परिसर में 15वें पुलिस ड्यूटी मीट के मौके पर जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दिखाया कि वो किस तरह विषम परिस्थितियों में रहकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं। नक्सलियों से सुरक्षा बल के जवान कैसे लोहा लेते हैं, उसका बेहतरीन डेमो भी दिखाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। झारखंड के पुलिस कप्तान के साथ ही वरीय पुलिस अधिकारी और जवान भी शामिल हुए। ये ड्यूटी मीट का जो मेन मिशन है, जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि जितने हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जिनके ऊपर यह भार है कि अगर कोई संघीय अपराध होता है तो उसका अनुसंधान करके अपराधी तक पहुँचें, उनकी दक्षता का जांच ड्यूटी मीट के डिफरेंट प्रतियोगिताओं में होता है। हम लोगों ने इस आयोजन के साथ दूसरा उद्देश्य यह है कि झारखंड की टीम बनानी है जो ऑल इंडिया लेवल पे जाएगी। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वहीं रांची में भी एक परिवार गहरे सदमे में है। भले ही इस घटना से इस परिवार का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी ये परिवार सदमे में है। आखिर क्यों, आप खुद देखिए। मासूम प्रद्युमन के साथ जो हुआ, उस घटना के बाद सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, लेकिन रांची में एक परिवार ऐसा है जहां पहले इस तरह की घटना घट चुकी है। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की भी स्कूल के अंदर ही बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और आज जब ऐसी ही घटना गुरुग्राम में एक मासूम के साथ घटी तो इस परिवार का जख्म एक बार फिर हरा हो गया। सर, हम 3 दिन से खाना पीना तो बिल्कुल नहीं के बराबर खा रहे हैं और दोनों पति पत्नी हम लोग खाली वही चीज़ पर रो रहे हैं। हमारा तो आज 18-19 महीना हो गया है। हम खाली यही बोलना चाहते हैं कि यदि अगर इस तरह का घटना अगर होते रहे, आज हमारा कल उसका परसों उसका परसों उसका आने वाला समय में। 4 फरवरी 2016 को विनय की हत्या स्कूल में हुई। परिजनों का आरोप है कि जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई। सभी आरोपी अब जेल से बाहर हैं। ऐसे में अब ये इंसाफ की उम्मीद किससे करें? वहीं रांची के लोग गुरुग्राम में छात्र की हत्या के बाद सदमे में हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजने से डर लगता है। स्कूल अब उतना सुरक्षित जैसा कि गार्जियन पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं वैसा तो नहीं रह गया है आजकल। फिर भी लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हर एक को बच्चे को स्कूल में ही भेजना है ना।
आखिर स्कूल का स्कूल में सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार नियम कानून बनाती तो है, नियम कानून सब अच्छा ही बनाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, जिसके चलते कि स्कूल के अंदर की में भी देखते हैं जो पेपर में जो आता रहा है, आए दिन आ रहा है, लेकिन विद्यार्थी लोग जो जाते हैं, विद्यार्थी का कुछ न कुछ दुर्घटना विद्यार्थी के साथ हो रहा है। वहीं डीजीपी ने सफायर की घटना को लेकर कहा कि स्कूलों में अच्छे सीसीटीवी लगाने की जरूरत है। साथ ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी वही पुराना घिसा पिटा राग अलापते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। अभी आज आप सभी के माध्यम से सारे स्कूलों को मैं आग्रह करता हूँ, उस समय भी मैं जब सफायर में गया था तो वहाँ पे सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं थी, छोटे छोटे मोबाइल कैमरा लगा करके उन्होंने खानापूर्ति किया था। आवश्यकता इस बात की है कि जितने स्कूल हैं सब में सीसीटीवी ऐसा लगाया जाए जो देख करके आप किसी व्यक्ति का चेहरा पहचान सकें। ये तो शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घटना का जितना निंदा करे उतना कम है, और हर एक विद्यालयों को सुरक्षा संबंधी हर एक प्रकार का निर्देश दिया गया है, अब वो कितना अनुपालन करते हैं ये जांच का विषय है, लेकिन झारखंड में भी इस तरह सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो भी नियम दिए गए हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और जो नहीं करेंगे और इस प्रकार की बातें आएंगी तो हमें लगता है कि इसको हम लोग देखेंगे और देख रहे हैं कि ये कितनी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं शर्मनाक है, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक होता है आरोपियों का खुलेआम घूमना। किसी तरह की ठोस सजा न मिलने से आरोपियों के हौसले लगातार बढ़ते हैं और वे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते। रांची से ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बीते दिनों हरियाणा के गुरुग्राम में 6 वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की रहस्यमय मौत को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद युवा शाखा की ओर से आदित्यपुर के आकाशवाणी चौक पर शेर पंजाब चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें रियान इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता रद्द करते हुए मासूम के हत्याकांड की CBI जाँच कराए जाने की मांग की गई। छः वर्ष के मासूम की हत्या हुई है, 6-7 साल का बच्चा, और उसकी इतनी नृशंस हत्या, और आज भी अभी तक के न्यूज़ में उसके माँ बाप की इच्छा है और पूरे देश की इच्छा है कि इस जांच को CBI को सौंप दिया जाए, क्योंकि अब इस कत्ल में दूसरा पहलू भी आ रहा है कि वो कंडक्टर ही नहीं कोई और भी उसमें शामिल था। कत्ल हुई और कत्ल होने के 5 मिनट के अंदर अंदर जो है खून के धब्बों को साफ किया गया, वहाँ से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई, इसका मतलब पूरा का पूरा स्कूल प्रबंधन इस हत्या की साजिश में लिप्त है। IG मुरारी लाल मीणा ने बोकारो के पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ DIG प्रभात कुमार और SP YS रमेश मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान IG मीणा ने सभी मौजूद संसाधनों की बारीकी से पड़ताल की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम काफी आधुनिक है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। महिला को, किसी लड़की को कोई समस्या है तो उसके लिए शक्ति ऐप का उपयोग, आजकल जो एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल फ़ोन लोग ज़्यादातर रखते हैं तो शक्ति ऐप का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ वो कॉल करेंगे, मिस कॉल आएगा, अलार्म बजेगा, हेल्प के लिए पुलिस जा सकती है उसके लिए। तो उसी तरीके से किसी को अगर कोई अन्यथा जिले भर में कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम है, पुलिस से रिलेटेड, क्राइम क्रिमिनल से रिलेटेड, उसके बारे में 100 डायल 100 पर कॉल करें। रांची के रिनपास बहाली घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेमलाल मुर्मू से पूछताछ हुई। पूछताछ ACB कार्यालय में हुई। रिनपास में अवैध नियुक्ति को लेकर के उसी सिलसिले में हमारा जो अनुसंधान जो लगभग पूर्ण होने का है, उसमें ये अंतिम चरण की कार्रवाई है, जिसमें जो सभी आरोपित व्यक्ति हैं उनसे उनका पक्ष रखने के लिए यहाँ बुलाया जाता है, और इसी क्रम में हम लोगों ने पहले भी भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह को यहाँ बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी। अब उसी कड़ी में श्री हेमलाल मुर्मू जी जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे इस संबंध में पूछताछ की गई, और आने वाले दिनों में जो शेष बचे आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर ली जाएगी। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर देवघर में एक बार फिर बवाल मचा। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपने वेतन बढ़ोतरी सहित दूसरे मांगों को लेकर निगम कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि अधिकारी
केवल आश्वासन ही देते हैं, लेकिन इस बार वो आश्वासनों से नहीं मानने वाले। अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 25 सितंबर से सभी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। दो महीने से मानदेय शायद ना 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 कोई एकदम अपडेट भुगतान, ये खुद अपने उन्होंने एडमिट किया कि अपडेट भुगतान है और आपके आने से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बस वही है कि 272 दे रहे हैं, 305 रुपये की ये मांग कर रहे हैं, उसकी एक प्रक्रिया है, लेबर डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन, फिर हम लोग बोर्ड से पाइन, फिर सरकार से कॉन्फ्रेंस लेंगे उसके बाद। आज हम लोग मजबूर होकर के सांकेतिक हड़ताल पर हैं। सावन के पूर्व हमने 4 सूत्री मांग पत्र दिया था नगर आयुक्त को, जिस पर की कार्यपालक अभियंता के द्वारा लिखित समझौता हुआ और बोला गया था कि आपको 1 महीने के अंदर आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। हम लोगों ने लिखित समझौते के बाद को अपने आंदोलन हड़ताल को स्थगित किया था और आज इसके बीच में 2 महीना बीत गया। हम लोगों ने कई बार नगर आयुक्त को लिखित पत्र दे करके बार बार अनुरोध किया। 10 अगस्त को हुई आजसू कार्यकर्ता सुधीर रवानी की हत्या का खुलासा चंदन क्यारी थाना पुलिस ने कर दिया है। एसपी ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि सुधीर की हत्या अवैध संबंध को लेकर की गई है। मामले में एक महिला, उसके पति और देवर को गिरफ्तार किया गया है। 2017 चंदन क्यारी थाना अंतर्गत जो है सुधीर रवानी का जो है हत्या हुआ था। आज जो है इस केस का जो है उद्भेदन हुआ है। इसमें बेसिकली जो है ये 3 आदमी जो है अरेस्ट हुए हैं, एक लक्की राम रवानी, बुल्लू रवानी और बालिका देवी। बेसिकली रीज़न ये था कि बालिका देवी के साथ जो है जो सुधीर रवानी का अवैध संबंध बनाना चाह रहा था, उनके साथ छेड़छाड़ करना चाह रहा था और इस बात को जो है लक्की राम रवानी और बुल्लू रवानी जो है उनके संज्ञान में आ गया था ये मैटर। और जब ये मैटर संज्ञान में आ गया तो इनको जो है मारने का प्लान बना लिया। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश हुई। लगातार हुई बारिश के कारण MGM के कई वार्डों में पानी घुस आया। इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन काउंटर और एक्सरे रूम पूरी तरह पानी पानी हो गया। बारिश के कारण पानी की वजह से मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस मामले पर अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल के बाहर का ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गया है, जिससे बारिश का पानी अस्पताल परिसर में फैल गया। दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर रांची नगर निगम और शहर के विभिन्न पूजा कमेटियों के बीच निगम सभागार में अहम बैठक बुलाई गई थी। निगम ने शहर के विभिन्न पूजा समितियों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव मांगे थे, लेकिन बैठक के दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने पंडालों और तोरण द्वार पूजा के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में शराब की दुकानों को बंद किए जाने की मांग की। साथ ही स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने और साफ सफाई को बेहतर किए जाने की मांग की गई। सभी पूजा पंडाल के पदाधिकारी आ जाएं और उस बैठक में सारा विषय आ जाएंगे कि उनकी क्या समस्या है, उसका समाधान हम कर सकें। अधिकतर विषय आया है कि पूजा पंडालों में डस्ट देना है और पथ बत्ती का संधारण जहां बुझ गई है उनको जलाना है। साथ साफ सफाई का भी हम लोग ने पहला प्राथमिकता दिया है और उन्होंने जिस तरह से त्वरण द्वार बनाते हैं उसके लिए जो पिछले बार हमने रखा था कि 100 मीटर की दूरी पर आप लगाएंगे तो निःशुल्क हम आपको त्वरण द्वार लगाने के लिए दे सकते हैं, जो पिछले बार हमने तय किया था उसको हमने इस बार भी पूरा किया है। साथ उनका जो है कि 1 तारीख को विसर्जन रहेगा तो उस विसर्जन के लिए भी हमने कहा है कि आपका पूरा व्यवस्था रहेगा। और दुर्गा पूजा समिति नगर निगम जिला प्रशासन और राज्य सरकार को साधुवाद देता है, इसलिए साधुवाद देता है कि पिछले 2 साल से ये 3रा साल है जबकि मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक साथ है और हम लोग जो जो डिमांड लेके आए थे आज हम लोग एक एक पर एक एक पंडाल के लोगों सब समस्या रखे और समस्या का समाधान के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। अब सफाई की जरूरत था, हम लोग तालाब का सफाई था विसर्जन के लिए, लाइट का व्यवस्था था, हम लोग हर जो जो हम लोग को हर साल मिलता है इस बार हम लोग को मिलेगा, ऐसा पूरा हम लोग को आश्वस्त किए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।